नमस्कार जी, न्यूज डॉट कॉम के साथ मैं हूँ गुड्डू। अभी पूरे देश में COVID-19 कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग वैसे भी हैं जिन्हें भोजन की काफ़ी परेशानी हो रही है। अब इस और जो है, जिला प्रशासन तो खैर इस और है ही, लेकिन अब समाज से भी जो है अब अपनी कदम बढ़ा चुके हैं उन लोगों के लिए जिन्हें भोजन मुहैया नहीं हो पा रही है। अभी हम खड़े हैं श्यामा निवास के पास। ये समाज सेवी सूरज झा का कैंपस है, जो इस बार नगर निगम 2020 के चुनाव में उप महापौर के प्रत्याशी भी हैं। इनके द्वारा जो है अभी गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। हम इन्हीं से जानेंगे, हमारे साथ हैं सूरज जी। अच्छा, ये बताइए कि आज क्या कार्यक्रम किया? आज हम लोग आदर्श लोक मानव सेवा केंद्र के तत्वाधान में उनके बैनर तले गरीब गुरुओं को, ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, जो लेबर क्लास के जितने भी लोग हैं, सबको निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। और ये हमारा 15 अप्रैल तक, जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, हमारा सेवा जारी रहेगा। जी, आप देखिए, इनका जो कहना है कि 15 अप्रैल तक, यानी कि 15 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान इनकी सेवा जो है बरकरार रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या क्या चीज़ दे रहे हैं लोगों को? अभी तो हम जैसे 6 पूड़ी दे रहे हैं और 1 सूखा सब्जी और उसके साथ सलाद दे रहे हैं। और जैसे जैसे आदमी की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हम उसमें और सुधार करेंगे। जी बिल्कुल। अभी देखिए, अभी ये तो खैर हो गई सामाजिक बातें जो कि भोजन मुहैया कराई जा रही है, लेकिन एक जो हिदायत जो है सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का, हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि इस दौरान जब भोजन बांटने की प्रक्रिया चलती है तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान रखा जा रहा है? उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जितने भी हमारे कारीगर है वो मास्क लगा के काम कर रहे हैं, ग्लव्स लगा के काम कर रहे हैं, हम लोग भी ग्लव्स लगा के काम कर रहे हैं। और दूरी कम से कम 6 फीट की दूरी पर रख के सबको दे रहे हैं। इतना बड़ा कैंपस है, आप देख ही रहे हैं इस कैंपस में कितना जगह है। सबको दूरी दूरी में रख के बारी बारी से बुला के दिया जा रहा है। जी, यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ, ये भी इनके साथ सहयोगी ही हैं और ये भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम मोहित किशोर है, आदर्श मानव निर्माण संस्था का मैं सचिव हूँ। हम लोगों ने देखा कि इस बंदी के दौरान बहुत से लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं और उनको खाने की सुविधा नहीं है। उनके जेब में पैसे हैं लेकिन होटल खुला नहीं है वो कहीं से खा सकें। तो ऐसा लगा हम लोगों को कि हम लोग कुछ करें इन लोगों के लिए। हम लोगों का दायित्व बनता है, इस शहर के हैं तो चाहेंगे कि कुछ हम लोग इन लोगों के लिए करें। तो हमने सूरज झा से बात किया, सूरज झा बोले कि नहीं, आइए हम लोग मिल के करते हैं। और इसको हम लोगों ने किया। और अभी तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग खाना का व्यवस्था रखे हुए हैं, पूड़ी और सूखा सब्जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा, आवश्यकता अगर समझा हम लोगों ने, तो उसको हम लोग चेंज भी करेंगे मेनू। और हो सकता है किसी दिन चावल दाल दें, किसी दिन कुछ दें, ऐसे करके बदलेंगे और बदल बदल के हम लोगों को खाना खिलाएंगे। एक बार संस्था का नाम और आप? आदर्श मानव निर्माण संस्था, ये देवघर की है। अच्छा, ये ऐसी भी सुनने में आ रही है कि आदर्श मानव निर्माण संस्था की ओर से गर्मी के दिनों में पेयजल की व्यवस्था भी की जाती है, क्या स्थानीय लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, क्या है? जी जी जी, हम लोग खास करके हम लोग श्रावणी मेला में हम लोग जो है सो जो भी कांवरिया बंधु आते हैं उनके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। उनकी सारी सुविधा, शरबत हो, पानी हो, चाय हो, ये निःशुल्क फल वितरण हो, ये हम लोग करते हैं और सराह करेंगे। जी, ये सेवा जो है आदर्श मानव संस्थान की ओर से लगातार जारी रहती है। किसी भी दिन की बात करें तो ये सेवा जो है लोगों तक पहुंचती है, ज़रूरतमंद लोगों का। अभी फिर हम आ गए हैं सूरज झा के पास। हम ये जानेंगे इनसे कि कोरोना वायरस को लेकर सर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सब आम जनता से अपील करना चाहेंगे वो सरकारी मापदंड के अनुसार चले, अपने घरों में रहे, जब ज़रूरत की सामान की आवश्यकता हो तभी बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले और भीड़ भाड़ वाले जगह में मत जा। ये हिदायत जो है सरकार के तरफ से जो दी गई है, इनका पालन आपको भी करना है और इनके तरफ से भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप लगातार इनके नियमों का पालन करें तभी आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि अभी जो झारखंड का जो अभी बुलेटिन जारी हुआ है, झारखंड में एक भी इफेक्टेड नहीं है, किस तरह से देख रहे हैं? ये तो अच्छा संदेश है और हम झारखंड वासियों से निवेदन करेंगे वो इसी तरह चैन को तोड़ते रहे और झारखंड में किसी भी मरीज के आने की आशंका को कम किया जा सकता है।
जी बिल्कुल, झारखंड में अभी तक के जो बुलेटिन हैं, एक भी कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोग नहीं पाए गए हैं। लगातार समाज, सरकार और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है कि किसी तरह की गैदरिंग ना हो, कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, और ठीक उसी तरह जो है यहाँ की जनता भी उसको फॉलो कर रही है। देवघर से मैं गुड्डू।